ओके हम इसका भी नेक्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमने क्या किया था, हमें ट्राइंगल फॉर्म, ट्राइंगल फॉर्म करना था, ठीक है। तो हमें जैसे कि ये कोई ट्राइंगल दिया गया है, मुझे इसका ही रेप्लिका बनाना है इन सम रेशियो, इट मे बी प्रॉपर फ्रैक्शन और मे बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके मुझे इसका रेप्लिका बनाना है बट इन सम फ्रैक्शन, ठीक है। मान लो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस, मतलब सब कुछ सेम है एक्सेप्ट साइड, सिमिलर ट्रायंगल मुझे बनाना है, एंगल जो है वो भी सेम है, सिर्फ साइड डिफरेंट हो जाएगा। मुझे ऐसा एक रेप्लिका बनाना है इन द फॉर्म ऑफ सम फ्रैक्शन। सपोज दिस ट्रायंगल जो मेरा न्यू ट्रायंगल होगा, न्यू ट्रायंगल जो होगा दैट इज सपोज 3/4 और 5/3 और 5/4 ऑफ द ओरिजिनल और द गिवन ट्रायंगल। मुझे ये कंसेप्ट अभी बनाना है। तो यहां पे भी आपको दो कंसेप्ट फॉलो करने, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पे दो कंसेप्ट, दोनों का रूल में थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जाएंगे, हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे एक क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा आपको सपोज एक ट्राइंगल बनाना है, ड्रॉ अ ट्राइंगल विच इज 4/5 ऑफ द गिवन ट्राइंगल हुज साइड्स आर 8 cm, 6 cm एंड 5 cm रेस्पेक्टिवली। ओके हमें ऐसा एक क्वेश्चन सपोज करना है, तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल बना रहा है जो कि गिवन ट्राइंगल 4 feet है एंड दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर से क्वाइट छोटा होता है, ठीक है क्लियर। तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में फॉर्म करना है, इसका मतलब न्यू ट्राइंगल इज जो छोटा है, स्मॉलर है देन द गिवन ट्राइंगल, क्लियर। ये तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हमारे पास गिवन ट्राइंगल के बारे में जो डिटेल्स है 8, 6 and 5 हम उसको यूज करके फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ओके अच्छा तो मैं ये क्वेश्चन एक बार के लिए रफ कर देता हूं। यहां पर जैसे कि मैं पहले 8 cm का एक साइड बना लेता हूं, हमारे पास क्या क्या मेजरमेंट्स है, 8 cm, 6 cm एंड 5 cm, ये हमारे मेजरमेंट्स है। तो सबसे पहले मैं 8 cm का कोई एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूं, आप चाहो तो 5 का भी ले लो, आप चाहो 6 का भी ले लो, आपकी मर्जी, आप कौन सा वाला लाइन सेगमेंट पहले बनाओगे वो आपकी मर्जी। तो 8 cm का एक लाइन सेगमेंट मैंने यहां ड्रॉ किया, ए भी हमने इसका नाम पुट कर दिया। उसके बाद हम कंपास में 6 cm ले लेंगे, लेकर ए में रखेंगे और फिर हम एक आर्क खींचेंगे। हम सेकेंड वाला लाइन सेगमेंट ले लेंगे 6 cm, ठीक है, लेकर 6 cm रेडियस लेकर हम ए में रखेंगे, पॉइंट ए में रखेंगे कंपास को और 6 cm का रेडियस लेकर हम एक आर्क खींचेंगे, क्लियर। देन लास्ट है 5 cm, कंपास में हम इस बार 5 cm लेंगे और बी में रखेंगे और फिर नेक्स्ट आर्क खींचेंगे, क्लियर। 5 cm लेंगे और बी पॉइंट में कंपास प्लेस करेंगे और फिर एक आर्क खींचेंगे, ये आर्क का रेडियस होगा 5 cm, क्लियर। तो ये आर्क प्रीवियस आर्क को समवेयर कट करेगा, उस पॉइंट को हम पॉइंट सी डाल देंगे, देन इसे कनेक्ट कर देंगे बाकी दोनों पॉइंट से, हमारा ट्राइंगल बनके तैयार। ओके अच्छा मैं इस ट्राइंगल को अब हमें जो नया ट्राइंगल बनाने के लिए बोला गया वो हम बनाएंगे, उस ट्राइंगल के बारे में बोला गया दैट ट्राइंगल इज 4 feet फ्रॉम द न्यू ओरिजिनल ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल। तो हमारा न्यू ट्राइंगल है 4 feet, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले एक रे खींचेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। रे खींचने के बाद हम यहां चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो हम 5 है तो यहां पे 5 आर्क्स पुट करेंगे एंड सबके बीच में गैप सेम रहना है, ठीक है। विद सम रेडियस मैंने एक आर्क खींचा, फिर सेकेंड आर्क खींचा, फिर थर्ड आर्क खींचा,
देन फोर्थ आर्क एंड देन फाइव फिफ्थ आर्क एंड नेमिंग हम कर देते ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव। यहां पे जो हम नंबर ऑफ आर्क्स खींचेंगे वो डिपेंड करता है इसमें वैल्यू मैक्सिमम कौन सा है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो चाहे नीचे का हो या चाहे ऊपर का हो, जो भी हो आप उतने नंबर ऑफ आर्क्स यहां ड्रॉ करो। देन यहां पे अब चेक करना है ओरिजिनल कौन सा है, ठीक है, मतलब ये दो वैल्यू मेरे पास है फोर एंड फाइव। हमने कहा कि हमारा जो न्यू ट्राइंगल है, न्यू ट्राइंगल इज फोर फिफ्थ ऑफ गिवन ट्राइंगल, मैंने ये कहा, ठीक है। अच्छा तो अभी आप अगर इस गिवन को इधर लेके आओ तो फ्रैक्शन बिकम्स न्यू बाई गिवन इक्वल्स टू फोर बाई फाइव, न्यू ट्राइंगल अपन गिवन ट्राइंगल इक्वल्स टू फोर बाय फाइव। सो गिवन ट्राइंगल रिप्रेजेंट फाइव एंड न्यू ट्राइंगल रिप्रेजेंट फोर, राइट। तो फिर गिवन किसको रिप्रेजेंट कर, फाइव। तो मेरा फाइव कहां पर है, यहां पर है ना, मेरा फाइव इधर है, तो मैं इस गिवन ट्राइंगल के इस वर्टेक्स को इस फाइव के साथ कनेक्ट करूं। ये बात समझ में आया आपको? अच्छा, गिवन ट्राइंगल जो भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, गिवन ट्राइंगल के वर्टेक्स को आप उसी के साथ कनेक्ट करोगे, क्लियर। अच्छा अब मुझे यहां पे न्यू ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है फाइव ना, न्यू ट्राइंगल को फाइव रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सॉरी फोर, न्यू ट्राइंगल फोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे जो फोर है वहां से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ, जो कि इसके साथ पैरेलल हो। तो हम पैरेलल लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं सेम वे में यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे, मैं एक बार स्टेप्स फिर से दिखा देता हूं। यहां कंपास लोगे एंड विथ एनी रेडियस आप यहां से एक आर्क ड्रॉ करोगे विथ एनी रेडियस। देन आप इस बार ए फोर में कंपास को रखोगे एंड विथ द सेम रेडियस आप फिर से आर्क ड्रॉ करोगे। एक बार ए फाइव में रख के करेंगे, एक बार ए फोर में रख के करेंगे, दोनों जगह रेडियस सेम हो रहा है। अच्छा देन आपने ए फाइव से जो आर्क खींचा था उसका दोनों लाइन सेगमेंट को जिन दो पॉइंट में कट कर रहे हैं, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इनका गैप आप ले लो कंपास में, और फिर आप सेकंड वाले आर्क ने जहां पे कट किया वहां प्लेस करो और फिर आर्क कट कर दो उतने रेडियस का जो गैप इस रेडियस का है, इसके गैप के बराबर आप रेडियस लेके आप यहां रखो और आर्क खींचो। समझ में आया, हाँ, हम इसका गैप लेंगे और फिर यहां प्लेस करके आर्क कट करेंगे, क्लियर। अच्छा ये जो पॉइंट है और ए फोर वाला जो पॉइंट है इन दोनों के ऊपर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी को जिस पॉइंट में कट करता है मैं उसका नाम पुट कर देता हूं टी। अच्छा अब देखो आप सिमिलरिटी यहां पर देख सकते हो, सिमिलरिटी कैसे, ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल था नीचे नीचे वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए ए फाइव एंड बी ये जो ट्राइंगल है, एंड ए ए फोर डी ये जो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बोल सकता हूं। कैसे, ये लाइन तो पैरेलल है ना, तो फिर मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल हमने बनाया अभी अभी, एंगल इक्वल बनाया एंड पैरेलल होने की वजह से इन एंगल को मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकता हूं, एंड बिटवीन दिस टू ट्राइंगल ये एंगल कॉमन है, तो मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकता हूं, बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए ए फाइव एंड बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ए फोर डी, मैं ये बोल सकता हूं सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो मैं साइड प्रोपोर्शन लिख सकता हूं कि ए डी बाय, सॉरी नॉट ए डी, ए एफ ए और बी, ए और बी के बीच में ए बी बाय ए डी इक्वल्स दूसरा है ए ए फाइव बाय ए ए फोर, ओके, ये मैंने साइड प्रोपोर्शन कर लिया। अच्छा अभी तीसरा और एक कर सकते थे, जरूरत नहीं है उसकी अभी मेरे को। अच्छा ये मेरे को मिला। अच्छा अभी इसका कितना पार्ट है, ए से ए फाइव तक फाइव पार्ट, इसका कितना पार्ट है फोर पार्ट, तो मैं बोल सकता हूं ए बी बाई ए डी इक्वल्स टू फाइव बाई फोर। अब मैंने गिवन ट्राइंगल को ऊपर लिखा, न्यू ट्राइंगल को, न्यू ट्राइंगल का जो साइड है वो मैंने नीचे लिखा, लेकिन मैं वहां अलग दिखाया था, न्यू ट्राइंगल ऊपर गिवन ट्राइंगल नीचे होना चाहिए, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूं, रेसिप्रोकल करके किया तो मेरे को मिलेगा ए डी बाई ए बी इक्वल्स फोर बाई फाइव,
गिवन ट्राइंगल जो वो हमेशा नीचे होना चाहिए क्योंकि वो तो ओरिजिनल ट्राइंगल है। हम कोई भी चीज का कंपेयर करेंगे तो वो ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब इसे बोल सकता मैं इंडिपेंडेंट पार्ट, दिस पार्ट इज डिपेंडेंट, ये टोटली इस पर डिपेंडेंट है क्योंकि हम इसके बेसिस में उसको बना रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा नीचे होना चाहिए। अच्छा, देन आपको यहां पे रेशियो मिल रहा है एडी बाय एबी, एडी से एबी तक, एडी से एबी तक का रेशियो 4:5 बन रहा है, ठीक है। तो ये साइड तो 4:5 बन गया, अब हम काम करेंगे बाकी साइड्स का भी वैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन इसके साथ पैरेलल होगा, तो पैरेलल का सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। हम यहां सेंटर लेंगे एंड विद सम रेडियस इसको आर खींचेंगे एंड विद द सेम रेडियस और सेंटर डी, सेंटर डी एंड विद द सेम रेडियस हम एक और आर खींचेंगे। देन हम यहां का रेडियस लेकर इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखकर हम आर खींचेंगे यहां पे ऐसे। ये पॉइंट जहां पे भी कट करेगा इस आर्क को तो यहां से हम उसके ऊपर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये जाकर जिस पॉइंट में कट करेगा दैट पॉइंट इज ई, ई मिल गया, ठीक है। तो यहां पर भी हम सिमिलैरिटी परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज हमने लाइन परफॉर्म की, लाइन यहां पे ड्रॉ की है, तो लाइन अगर ड्रॉ किया है यहां पर तो ये पैरेलल लाइन है तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिलेंगे। ये एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल एडीई, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है, सो सिमिलर। फिर यहां पर मैं साइड प्रपोर्शन अगर करूं सिमिलर की बात, सिमिलरिटी की बात, तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर हो गया एंगल एंगल क्राइटेरिया से, साइड प्रपोर्शन हम लिखते हैं ए डी बाय ए बी ए ई बाय ए सी एंड डी ई बाय बी सी, लिख सकते हैं। अच्छा, अभी ए डी बाय ए बी का वैल्यू हमने यहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो यहां पे वैल्यू हो जाता है 4:5 एंड ए ई बाई ए सी एंड डी ई बाई बी सी, इनका वैल्यू हो गया 4:5, मतलब सबके साइज जो है 4:5। तो मैं देयरफॉर बोलूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इक्वल्स 4/5 ऑफ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, एज द ट्राइंगल एज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। क्लियर, कंक्लूजन समझ में आ गया। अच्छा, ये था प्रॉपर फ्रैक्शन, अब हम इम्प्रोपर फ्रैक्शन में हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम इसको भी देखेंगे, ठीक है जी। इसके लिए आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा, स्टेप्स लिखना पड़ेगा, मैं एक बार आपको स्टेप्स ओरली बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, आपको ये पार्ट अगर और ये पार्ट आपने दोनों ही उस स्टेप में पुट करके आपने किया तो आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको सबसे पहले यहां पर आपने क्या किया था, अ ट्राइंगल एबीसी इज फॉर्म्ड विथ एबी इक्वल्स 8 सेंटीमीटर, एसी 6 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, नोट करते रहो। देन आपने एक रे ड्रॉ किया ए एक्स, और रे ए एक्स इज ड्रॉन बिलो एबी एंड मार्क 5 points ऑन इट, सेम टाइप का स्टेप जो आपने प्रीवियस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा वैसे ही स्टेप्स आप यहां पे भी लिख रहे हो। तो वी मार्क 5 points ऑन ए एक्स सच दैट, में हम क्या लिखते हैं सच दैट, में उधर जैसे हमने लिखा था सच दैट ए ए वन इक्वल्स ए वन ए टू इक्वल्स ए टू ए थ्री, ओके एंड सो ऑन। लिखेंगे हम, देन क्या करते हैं, बी को हमने कनेक्ट किया था बी फाइव के साथ, उसी में लिख देंगे जॉइन बी ए फाइव, ठीक है, जॉइन बी ए फाइव इसी में आ जाएगा, इसी पॉइंट में आ जाएगा, सेकेंड वाले में ही आ जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप नोट करो, थर्ड पॉइंट में आप नोट करो डी ए फोर इज ड्रॉन सच दैट डी ए फोर पैरेलल टू बी ए फाइव, अब ऐसे लिखो विच, अच्छा बस चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप पुट करो, अगेन अगेन ड्रॉ
अगेन ड्रॉ डी ई सच दैट अगेन सिर्फ जैसे हमने ये बनाया उसी तरह से हम डी ई बना रहे हैं सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है। अच्छा जब यहां पे हम लोग इस स्टेप को करते हैं और ये पैरेलल लाइन बनाते हैं उसकी जगह पर मैंने यहां जो सिमिलैरिटी दिखाया था इस जगह पर उस सिमिलैरिटी को आप यहां पे पुट कर सकते हो और उसके बाद जब आपने ये दिखाया ये पार्ट पे आप इस सिमिलैरिटी को पुट कर सकते हो। उसके बाद तो जस्ट कंक्लूशन हो गया। क्या कंक्लूशन हो गया ये आप लिख रहे हो दस द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज फॉर्म्ड दस द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए डी ई इज फॉर्म्ड विच इज 4/5 ऑफ द गिवन ट्राइंगल एरियस। आप ऐसे इसको लिखोगे क्लियर समझ में आ गया। हाँ आप लिखो लिखो दस द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए डी ई इज फॉर्म विच इज 4/5 ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ओके या फिर ऑफ द गिवन ट्राइंगल एबीसी आप कैसे लिख सकते हो। अच्छा नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे अब इसी का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं बड़ी इंप्रूवमेंट करते हैं। देखो आपने क्लास 7, 8 या 9 में जो भी कंस्ट्रक्शंस किए थे उसमें आपने ऑलरेडी सीख लिया कि ट्राइंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। 8 में भी आपने कंस्ट्रक्शन किया तो उसमें आपने सीखा था कि ट्राइंगल कैसे बनाते हैं है ना। तो ट्राइंगल में जैसे मैंने अभी आपको जो ट्राइंगल दिया था उसमें मैंने तीन साइड्स आपको बताया 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर तो आपने बताया। कभी कभी आपको बेस दे दिया जाएगा ये मान लो 8 सेंटीमीटर दे दिए यहाँ पे आपको डिग्रीज दे दिया गया है 70 डिग्री या 60 डिग्री आपको फिर बनाना है। कभी कभी आपको 1 डिग्री दिया जाएगा ये साइड है देन आपको यहाँ पे सपोज 7 सेंटीमीटर ऐसे आपको दिया जाएगा। वेरियस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ट्राइंगल बनाने के लिए। तो आपने जो प्रीवियस क्लासेस में सीखा उन नॉलेज को यूज करके ट्राइंगल फॉर्म कर लो। ठीक है ओके। अच्छा तो जैसे कि सपोज हम इसी को फॉर्म करते हैं अभी। ठीक है इसी को फॉर्म करते हैं जैसे सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर बनाएंगे। हाँ हम इस बार इम्प्रोपर कर रहे हैं। ठीक है इम्प्रोपर सपोज जो न्यू ट्राइंगल जो होगा दैट इज इस बार सपोज 5/4 करते हैं इम्प्रोपर फ्रैक्शन। ठीक है इम्प्रोपर फ्रैक्शन 5/4 ऑफ गिवन ट्राइंगल ये हम करेंगे। ठीक है अच्छा तो हमारे पास सपोज ये 8 सेंटीमीटर है मैं इसका नाम ए बी पुट कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे वो 8 सेंटीमीटर होगा इधर 60 होगा इधर 7 सेंटीमीटर होगा। तो मुझे 60 डिग्री बनाना है एट द पॉइंट ए। तो 60 डिग्री हम बनाते हैं कैसे कंपास लेते हैं एनी रेडियस एंड आर्म ड्रॉ करते हैं फिर यहां कंपास रखते हैं एंड विद द सेम रेडियस सेम मतलब यहां से जो रेडियस मैंने लिया था वो रेडियस लेकर आप यहां पे आर्क खींचोगे। तो ये आर्क जहां पे कट करेगा वहां से होता हुआ आप एक रे ड्रॉ करोगे एंड देन आप ये वाला साइड 7 सेंटीमीटर बनाना चाहते हो तो कंपास में आप 7 सेंटीमीटर ले लो और लेकर आप यहां से आर्क खींच दो 7 सेंटीमीटर देन ये जहां पे कट करेगा लेट इट बी सी और सी को भी से कनेक्ट कर दो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया बट ये गिवन ट्राइंगल है। हाँ अब हमें बनाना है न्यू ट्राइंगल विच इज 5/4 ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो सिमिलर प्रोसेस आप यहां से एक रे ड्रॉ करो रे ड्रॉ करने के बाद मैं इसे नाम डाल देता हूं एक्स ए एक्स इज द गिवन रे। ओके मैं यहां स्टेप्स लिखते जाता हूं आपके लिए। नंबर वन स्टेप A triangle ABC is formed with the given information उसके बाद अब लिख सकते given information that is AB equals 8 centimeter angle A equals 60 degree एंड ए सी इक्वल 7 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। ठीक है सेकेंड आपने किया अरे
a ray AX is drawn below AB. उसके बाद हमने उस पर पॉइंट मार्क करने, मैं लिखूंगा अभी पॉइंट. तो हमारे जो ट्राइंगल है, न्यू ट्राइंगल इज 5/4 ऑफ गिवन ट्राइंगल, राइट. अब गिवन को मैं यहां नीचे लेके आता हूं, तो न्यू बाय गिवन इक्वल्स 5/4, राइट. अब आप चेक करो. अच्छा वो सॉरी, उससे पहले तो ये हम थोड़े देर बाद डिस्कस करेंगे. अच्छा, जो भी फ्रैक्शन क्या है 5/4, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, राइट. तो 5 अगर मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम यहां पर 5 पॉइंट्स मार्क करेंगे विथ सेम गैप. तो यहां से मैं ये रेडियस ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, तो मैं नाम उसी हिसाब से डाल लेता हूं, A1, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है. ये वैल्यूज जो आप पुट करोगे, ये जो मार्क्स आप पुट करोगे, ये मार्क्स पुट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. यहां पे कौन सा मैक्सिमम है, 4 है, 5 है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, उस मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से आप यहां पॉइंट्स पुट करोगे. क्लियर ये चीज. अच्छा, अब हमें चेक करना है ये वाला चीज. इसमें हमने देखा न्यू ट्राइंगल बाय गिवन ट्राइंगल इक्वल्स टू 5/4, मतलब न्यू ट्राइंगल रिप्रेजेंट 5 एंड गिवन ट्राइंगल रिप्रेजेंट 4. तो गिवन इज रिप्रेजेंटिंग 4, तो गिवन वर्टेक्स इज बी एंड इट रिप्रेजेंट 4, मतलब ये कनेक्ट करेगा 4 को. ओके, अच्छा अब आप थोड़ा सा एक छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन करो. वो ऐसे है, आप यहां से इस रे को थोड़ा प्रोड्यूस करो, इसे भी हल्की ये प्रोड्यूस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे थोड़ा सा प्रोड्यूस करो, ये बाद में काम आएगा, ठीक है. ओके देन, अभी ये मैंने ओरिजिनल वाला तो कर लिया, गिवन वाला तो कर लिया, अब मुझे देखना है न्यू वाला कहां पर है, 5 पे. तो ये 5 है, 5 से न्यू ट्राइंगल के लिए जो साइड बनने जाएगा वो 5 से बनता हुआ जाएगा, सच दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो आपने पैरेलल का कंसेप्ट समझ लिया, एक बार और देख ले. सो यहां से हम एनी रेडियस लेते हुए यहां से आर्क खींचेंगे एंड यहां अब 5 में रखेंगे, A5 में रखकर उतना ही रेडियस लेके एक और आर्क खींचेंगे. इस बार A5 से खींचा हमने आर्क, जो खींचा विद द सेम रेडियस जो हमने यहां से आर्क रेडियस लिया था, वही रेडियस हम अब यहां से ले रहे हैं, आर्क खींचा हमने. देन हम यहां से और यहां से इन दो पॉइंट का, मतलब पहले सेंटर से लेके जो आर्क खींचा था, उस आर्क में जो दोनों साइड को जहां जहां कट किया उस रेडियस को हम कंपास में लेंगे, और फिर हम इस पॉइंट से सेकेंड आर्क में जहां पर इंटरसेक्शन किया उस पॉइंट से हम उतना ही रेडियस को यहां पर कट कर देंगे. फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये लाइन जाके जहां पे टच करता है, इसको हम नाम डाल देते हैं डी, ठीक है. ये हम लिखेंगे यहां पे. ओ, यहां पे कुछ और लिखना था, ये 5 पॉइंट्स बिलो ए बी एंड माउंट 5 पॉइंट्स ऑन ए एक्स सच दैट में क्या लिखते, याद है ना, A1 equals A1, A2 and so on. एक हो गया सर, ठीक है. हम अब आगे बढ़ेंगे. हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ किया. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अ सेगमेंट A5D is drawn such that A5D is parallel to A4B. Yes. ठीक है. And then वो similarity process आप यहां show कर सकते हो. Since triangle A4, हमारा new triangle कौन सा है, A5D is similar to triangle AA4D. This is similar to this triangle. ठीक है, तो therefore हम side proportion लिख सकते हैं. AA5 by AA4 equals AB. Sorry, AB. Original. AB by AB. ये हमने कर लिया. ठीक है, इतना काफी है. अच्छा, अब मैं जानता हूं इसका वैल्यू कितना है, क्योंकि इसका वैल्यू है 5,
ए से लेकर ए फाइव तक फाइव एंड ए से लेकर फोर तक, ए से लेकर ए फोर तक फोर, मतलब दिस पार्ट इज फाइव बाई फोर। तो अगर ये फाइव बाई फोर हो तो दिस पार्ट इज फाइव बाई फोर, राइट। अच्छा अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां सेंटर लेंगे विद सम रेडियस आर्क बनाएंगे, यहां सेंटर लेंगे विद द सेम रेडियस आर्क बनाएंगे, एंड ये जो गैप यहां पर फॉर्म हो रहा है उस गैप को लेते हुए हम यहां पर भी आर्क बनाएंगे, ठीक है। और फिर इस पॉइंट और इस इंटरसेक्शन के ऊपर से हम रे खींचेंगे, तो ये रे जाकर जिस पॉइंट में कट करेगा दैट पॉइंट इज ई, ठीक है। हमारा स्टेप होगा अभी नंबर फोर, नंबर फोर में हम लोग लिखेंगे अनदर लाइन सेगमेंट, अनदर सेगमेंट, another segment being E is drawn, another segment DE is drawn such that DE is parallel to BC, ठीक है। अब हम इसका similarity show कर देते हैं, यहां पर similarity क्या होगा इस बार, since triangle ADE is similar to triangle AB सी ए बी सी, तो देयरफॉर ए डी बाय ए बी इक्वल्स ए ई बाय ए सी इक्वल्स बी डी ई बाय बी सी, ये। अच्छा अब आप चेक करो दिस ए डी एंड ए बी सेम चीज यहां पर है, ठीक है ना। तो फिर हम बोलेंगे देयरफॉर दीज आर ऑल्सो फाइव बाय फोर, मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम, इसको आप नंबर वन डाल लो और यहां लिख दो फ्रॉम वन, मतलब वन से मैंने ये इसका वैल्यू नोट किया फाइव बाय फोर, तो हमें फाइव बाय फोर मिल गया। सो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन दस दस द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए डी ई, this is A, ADE is formed, ADE is formed which is 5 by 4th of the given triangle ABC. अभी तो रब कर दिया बेटा, वो जो नीचे हमने ए बी बाई सॉरी ए डी बाई ए बी का वैल्यू निकाला था 5/4, उसे आप वन डालोगे, हाँ। तो ये हमारा कंक्लूशन हो गया, इस तरह से हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये है गिवन ट्राइंगल जो है उसका इम्प्रोपर फ्रैक्शन हमें बनाना था न्यू ट्राइंगल, क्लियर है।